नमस्कार दोस्तों, हर धर्म में कोई ना कोई त्योहार आता है और उस त्योहार के अनुसार ही व्रत उपवास रखे जाते हैं। वैसे ही इस्लाम धर्म में भी रमजान के दिनों में रोजे रखे जाते हैं, लेकिन रोजे का और उपवास का थोड़ा अलग अलग महत्व है, क्योंकि जो हमारे व्रत होते हैं वह रमजान के व्रतों से थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि हमारे जो व्रत होते हैं वो एक दिन के या दो दिन के होते हैं, लेकिन जो रमजान होते हैं वो 30 दिनों तक चलते हैं। नए चांद को देखने के बाद अगला महीना शुरू होते ही और नए चांद को देखने के बाद तक वह रमजान चलते हैं और यह पर्व अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और उस पर्व के अनुसार आज मैं आपको बताऊंगी कि रमजान के क्या महत्व हैं। पवित्र कुरान। वैसे तो इस्लाम धर्म में पवित्र कुरान को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है, क्योंकि कुरान शरीफ ही पढ़कर वह अपने रमजान की शुरुआत करते हैं और उसी को नमाज मानकर भी पढ़ते हैं और उसी को नमाज करते हैं। नमाज करने के बाद वह अल्लाह को याद करते हैं, यह उनका एक खास तरीका है। वैसे तो इस दिन के बारे में पैगंबर ने ना स्वयं एक दूत भेजा था जिसे भगवान अल्लाह ने अपना शिष्य माना था और कहा जाता है कि रमजान के 10 दिन जिसमें रमजान पढ़ी जाती है और अल्लाह की इबादत की जाती है वह दिन खास होते हैं और उन दिनों में कुरान शरीफ पढ़ने के कुछ अलग ही महत्व होते हैं। यदि आप कुरान शरीफ को उसी मुताबिक पढ़ते हैं तो आपको अल्लाह बरकत देता है और आपको नई खुशियाँ भी देता है। मोहम्मद पैगंबर को ज्ञान। इस ज्ञान के बारे में मोहम्मद पैगंबर को जब पता चला, जब वह संत के रूप में पैदा हुए थे और उस समय हिंसा का दौर था और वह उस समय उस हिंसा से दूर जाकर एक जंगल में चले गए जिसे हिजरा माउंट कहा जाता है। उसके पास ही उन्होंने अपना घर बनाया, यानी कि उसी जंगल में रहे और रहने के बाद वह बहुत दिनों तक अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह का ज्ञान प्राप्त किया। और कुरान शरीफ को पढ़ने से हमारे रमजान में सबसे ज्यादा पवित्र महीना माना जाता है और इससे ये भी कहा जाता है कि इन दिनों में लोग बुरे कार्य करने से भी बचते हैं। रमजान के दिनों में व्रत का महत्व है। कहा जाता है कि जैसे हमारे व्रत होते हैं उससे बिल्कुल ही अलग होते हैं रमजान के व्रत, और उसमें उपवास रखने के साथ साथ रमजान के दिनों में ही है लोग उपवास रखते हैं, उपवास रखने के साथ साथ अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ देते हैं। और रमजान के दिनों में जब रोजे रखते हैं तो ना खाना वह रात को ही करते हैं और रात को करने के बाद वह पूरे दिन भूखे रहते हैं, वह अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत करने के साथ साथ उन्हें शुक्रिया भी प्रदान करते हैं। रोजे रखने का बड़ी खूबसूरत बयां किया गया है कि रोजे रखने का मतलब ये नहीं होता कि पूरे दिन भूखे और प्यासे रहे, उसका मतलब ये होता है कि अपनी इच्छाओं पर कितना काबू कर सकते हो, अपनी भूख और प्यास पर काबू कर सकते हो। कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति अपने आप पर काबू रखना चाहता है तो वह इन नियमों को जरूर माने और नियमों के मानने के साथ साथ वह उपवास रखता है, वह रोजे रखता है। रोजे रखने का नियम ये भी माना जाता है कि वह अल्लाह को इबादत करता है और जितने भी बुरे कार्य होते हैं उनसे बचता है। रोजे रखने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप अपने मुंह से ही रोजा रखते हैं जैसे कि भूख और प्यास से। रोजे रखने का मतलब होता है कि अपने कान, नाक और आंख तीनों से और अपने पूरे शरीर से ही रोजे को रखा जाता है और रोजे को ध्यान में रखकर आप सभी कार्य यानी बुरे कार्यों से बचते हैं, ना तो आप किसी से बुरा कहोगे, ना सुनोगे और ना देखोगे, इसका मतलब यह है, और अपने शरीर के किसी भी अंग से कोई भी बुरा कार्य नहीं करोगे। इस्लाम धर्म में बताया गया है कि रोजे इसलिए भी मान्य पर माने जाते हैं क्योंकि इन दिनों में कोई भी व्यक्ति अपने बुरे कार्य करने से बचता है और अल्लाह की इबादत करने के लिए तैयार रहता है और रोजे रखने के साथ साथ वह व्यक्ति अल्लाह की इबादत में तत्पर तैयार रहता है। अल्लाह की इबादत करते करते वह अपने बुरे कार्य को भूल जाता है, जितने भी बुरे कार्य किए गए हैं वह एक महीने में अपने बुरे कार्यों की माफ़ी मांग लेता है। नमाज इसलिए भी पढ़ी जाती है ताकि अल्लाह की इबादत में कोई भी कमी ना रहे। अल्लाह को एक तौफीक अदा फरमाते हैं जिसे हम आमीन कहकर बताते हैं। जब भी कोई भी शुभ कार्य किया जाता है आपने सुना भी होगा इस्लाम धर्म में आमीन कहकर ही उसे मुबारकबाद दी जाती है। जैसे भी कोई भी शुभ कार्य किया गया है ताकि वह उस शुभ कार्य के लिए अपनी दुआएं शामिल कर सके। तो ये थे इस्लाम धर्म के कुछ नियम और कानून और रोजे के महत्व। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।